रब ने बना दी जोड़ी फिल्म तो आपने देखा होगा किस तरीके से शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की शादी होती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है वृंदावन में। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज कॉनेशन। कैसे आई यूना को वृंदावन में प्यार हो गया और प्यार के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी युवक के साथ शादी भी रचा ली। नगरी वृंदावन करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ही नहीं बल्कि पूरे विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, यहाँ आकर भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे ही एक भक्त रशिया से वृंदावन आई तो दर्शन करने थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो यहीं की होकर रह गई। रशियन युवती को यहाँ के एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद आए कि बात शादी तक पहुंच गई। सात समंदर पार से कृष्ण का भक्ति यूना को वृंदावन खींच लाई। यहाँ उसकी मुलाकात 20 साल से रह रहे राजकरण से हुई। वृंदावन में रहकर अपने गुरु की आज्ञा से गायों का सेवा कर रहा है। यूना भी उनके साथ गौ सेवा में शामिल हो गई और राजकरण के साथ मिलकर गौ सेवा करने लगी। धीरे धीरे साथ में सेवा करते करते इन दोनों में प्यार हुआ। दोनों ने अप्रैल 2023 में हिंदू रीति रिवाज से दिल्ली में शादी कर ली। अब दोनों दिन में गौ सेवा करते हैं और शाम को वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के पास ही लोगों को धार्मिक पुस्तकों और चंदन लगाकर अपना पेट पालते हैं। दोनों की जोड़ी देखकर स्थानीय लोग के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी अचंभे में पड़ जाते हैं। राजकरण ने किसी भी तरह की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है और यूना ठहरी रशिया से जिसे हिंदी तक नहीं आती, लेकिन फिर भी प्यार की भाषा ऐसी कि दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं। वैसे तो दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। यूना की उम्र 36 साल है तो वहीं राजकरण 35 साल के हैं। यूना ने शादी के बाद पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को अपना लिया। गले में मंगलसूत्र भी पहनती हैं, मांग में सिंदूर भी लगाती हैं, यही नहीं पैरों में पायल भी पहनती हैं। जहां एक तरफ यूना रशिया से वृंदावन कृष्ण की भक्ति को लेकर पहुंची, कृष्ण की नगरी में पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ यूना को गौ सेवा करने के दौरान राजकरण से प्यार हो गया। दोनों ने फरवरी के महीने में दिल्ली में जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई और अब दोनों वृंदावन में रहते हैं खुशी मंगल के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स को देते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।